Hi, myself, I'm Ratna Bhushan. Welcome to the program ASGIS Current Affairs, CAP, that is very, very useful for all competitive exams. The photograph I have taken from the Hindu newspaper, Vishwanathan Anand. Anand looks back on a satisfying journey. Almost everything I want to do, I've done, says the Grand Master, says the Grand Master. The most important fact of today's are Bharati Bachchi ne Duniya ko jhakjora. मणिपुर के 8 वर्षीय लिसी प्रिया ने जलवायु सम्मेलन में की धरती बचाने की अपील लिसी प्रिया। मैं 8 साल की उम्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली भारतीय लड़की लिसी प्रिया कंगजुमन ने अपनी चिंताओं से दुनिया को झकझोरा है। मणिपुर की इस नन्ही पर्यावरण कार्यकर्ता ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड में COP25 जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से अपनी धरती और उन जैसे मासूमों के भविष्य को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की गुहार लगाई। लिसी प्रिया ने मंगलवार को अपने भाषण में कहा, मैं यहाँ वैश्विक नेताओं से कहने आई हूँ कि यह कदम उठाने का वक्त है, क्योंकि यह वास्तविक क्लाइमेट इमरजेंसी। इतनी छोटी उम्र में अपने अहम मसले पर बात रखने के कारण लिसी प्रिया स्पेन के अखबारों की सुर्खियाँ बनी है। स्पेनिश अखबारों ने उन्हें भारतीय ग्रेटा बताते हुए उसकी जमकर तारीफ की। स्वीडन की 16 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने सितंबर में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक नेताओं को झकझोरा था। नेक्स्ट मोस्टर, हर साल में रखेंगे पूर्वोत्तर के हितों का ध्यान। प्रधानमंत्री मोदी बोले, अपने सेवक पर भरोसा रखें, कांग्रेस के किसी झूठी के बहकावे में नहीं आए। देश के लोगों, खासकर पूर्वोत्तर के लोगों को नागरिकता संशोधन विधेयक में घबराने की कोई जरूरत है। पूर्वोत्तर का एक भी राज्य इससे प्रभावित नहीं है। हर हाल में पूर्वोत्तर के हितों का ध्यान रखा जाएगा। घुसपैठियों की राजनीति करती रही कांग्रेस इस मुद्दे पर मुसलमानों को छल कर रही है। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यह बात कही। मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए धनबाद में रैली कर रहे थे। बिल के विरोध पर मोदी ने कांग्रेस के आड़ों हाथों लेते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस आग लगाने की कोशिश में है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलेगी। मोदी ने खासतौर पर असम के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, आपकी परंपरा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति पर आँच नहीं आने दूंगा। आपके भविष्य को संवारने का काम होगा। अपने सेवक पर मोदी पर विश्वास रखिए, कांग्रेस के बहकावे में नहीं आए। मेरा भी यही मानना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और एक व्यक्ति जो अपना जीवन पूरे देश के लिए न्यौछावर कर दिया है, उसके ऊपर हर बात पे मुझे भरोसा है। बाबा धाम की धरती से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर की भाषा, संस्कृति का मान सम्मान रखा जाएगा। यह भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल है। असम में मचे बवाल की हकीकत। पूर्वोत्तर के बड़े दायरे में नागरिकता संशोधन विधेयक प्रभावित नहीं हुआ। यहाँ के राज्यों को इससे छूट दी गई है, हालांकि असम के कुछ हिस्सों में इसकी जद में है। यही वजह है कि इस विधेयक के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका। आइए इस आंदोलन की कुछ वजहों को जानें। नागरिकता संशोधन विधेयक के दायरे में बाहर वाले क्षेत्र दो श्रेणियाँ हैं जिन्हें इस विधेयक से दूर रखा गया है। इनर लाइन द्वारा संरक्षित राज्य और संविधान की 6 अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्र। इनर लाइन परमिट एक विशेष परमिट है जो भारत के अन्य हिस्सों के नागरिकों को ILP द्वारा संरक्षित राज्य में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ILP परमिट के बिना किसी भी अन्य राज्य का भारतीय अधीन आने वाले राज्यों में नहीं जा सकता। छठी अनुसूची कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन में विशेष प्रावधानों में संबंधित है। यह इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। ADC के पास विभिन्न विषयों पर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कानूनों को लागू करने की शक्तियां हैं। इसका एक उद्देश्य आदिवासी समुदायों द्वारा स्वशासन को बढ़ावा देना है। कैब किस राज्य में प्रभावित कितना राज्य राज्य असम राज्य में 3 स्वायत्त जिला परिषद, जिनमें से 2 भौगोलिक रूप से मिले हुए हैं। 6 अनुसूची के अंदर ये तीनों आते हैं। इनको छोड़कर कैब बाकी हिस्सों में प्रभावी होगा। मेघालय, इस राज्य में भी 3 ADC हैं। असम के विपरीत मेघालय में ADC लगभग पूरे राज्य को कवर करते हैं। केवल शिलोंग एक छोटा सा हिस्सा इसके दायरे में नहीं आता। शिलोंग के उस हिस्से में कैप प्रभावी होगा। अरुणाचल प्रदेश, पूरा राज्य ILP के तहत कैप के दायरे में दूर होगा। नागालैंड, राज्य में लाइन ऑफ परमिट की व्यवस्था है, इसलिए यह कैप से के दायरे से दूर होगा। मिजोरम, इस राज्य में ILP की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त राज्य में 3 ADC हैं जो 6 अनुसूची के तहत संरक्षित हैं।
त्रिपुरा राज्य में एक एडीसी है जो 70% क्षेत्र को कवर करता है। हालांकि कुछ कुल आबादी की 2/3 आबादी शेष 30% हिस्से में रहती है। इसका मतलब है कैप छोटे और अधिक धनी आबादी वाले क्षेत्रों को प्रभावित करता है। मणिपुर संपूर्ण राज्य को भी ILP का संरक्षण प्राप्त है। हालांकि पहले यह संरक्षित नहीं था, लेकिन संसद में नागरिकता बिल पेश किए जाने के बाद सरकार ने यहां भी LIP की व्यवस्था लागू की है। स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बने रामकथा। स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बने रामकथा, ये एक एडिटोरियल है दैनिक जागरण का, जिसको लिखने वाले व्यक्ति हैं श्रीमान जगमोहन सिंह राजपूत। राम का व्यक्तित्व का चरित्र का निर्माण प्रेरणा स्रोत बनकर उभरता है। इससे समाज में सौहार्द की भावना भी बढ़ेगी। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में अब मंदिर बनेगा, मस्जिद भी बनेगी। दोनों समुदायों इसमें एक दूसरे तथा अन्य का भी सहयोग लेंगे। यह प्राचीन भारत की स्वीकारता की संस्कृति का ही परिणाम था कि अयोध्या प्रकरण में पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आने के पहले ही उसे स्वीकार करने को तैयार थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। मुस्लिम समाज के कुछ जाने माने बुद्धिजीवियों, कलाकारों तथा अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों ने पुनः इसे न्यायालय ले जाने के विरुद्ध आवाज़ उठाकर अपनी राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया। देखा जाए तो देश की प्राथमिकताओं में ज्वलंत समस्याएं, जिनका समाधान हर वर्ग के सक्रिय सहयोग के बिना असंभव है। इनमें शिक्षा, कौशल विकास, जनसंख्या, रोजगार के अवसर, गरीबी, स्वास्थ्य, सुरक्षा शामिल है। गरीबी, भुखमरी और कुपोषण ऐसी समस्याएं हैं जिनके निवारण का उत्तरदायित्व हर समर्थ व्यक्ति, संस्था तथा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हर पंथ, मजहब मनुष्य के इस कर्तव्य को न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसे प्रेरित भी करता है। सामर्थ्यवान व्यक्तियों को अन्न के कष्ट निवारण में शामिल होना चाहिए। एक तरह हम अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी सफलता पर उचित गर्व करते हैं, मगर जब विश्व पटल पर हंगर इंडेक्स या कुपोषित बच्चों के आंकड़े सामने आते हैं तो हमारी आंखें शर्म की से नीची हो जाती हैं। यदि सभी संस्कृति और पंथ भाईचारा, शांति, सहयोग तथा सेवा पर जोर देते हैं तो पूजा पद्धति की विविधता को लेकर विवाद में समय नष्ट करने की क्या जरूरत है। बहुधर्मी देश भारत में मतांतर को लेकर समस्याएं आती रहती हैं। यहाँ इसके अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। बावजूद इसके विपरीत हमारे दैनदिन सरकारों में पंथिक भाईचारे भी बखूबी देखने को मिल जाएगा। भारत की प्राचीन संस्कृति में एकम सत प्रिय बहुधा वदन्ति एक अत्यंत गहन दर्शन का प्रकृति कार है। यह एक प्रकार की पथिक विविधता को पूर्ण रूपेण स्वीकार करता है। यह उन्हें भी त्याज्य नहीं मानता जो ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता। प्राचीन भारत की संस्कृति मजबूत जड़ें अपनी वैश्विकता के लिए जानी जाती रही है। इसी कारण धीरे धीरे भारत की बहुलवादी संस्कृति विकसित हुई, जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। अपवादों को छोड़कर यहाँ हर व्यक्ति दूसरे के धर्म पंथ को भगवान तक पहुँचने का वैकल्पिक मार्ग मानता है। देश में ऐसे अनगिनत श्रद्धा केंद्र हैं जहाँ हर पंथ या मजहब मानने वाले लोग अपनी आस्था प्रकट करने पहुँचते हैं। ऐसी सशक्त सामाजिक परंपरा सभी वर्गों के समुदायों और आपस में बधे रहते हैं रखती रही हैं। मुझे यह अनुमान लगाने की कोई हिचक नहीं कि संविधान निर्माताओं ने भारत की जीवन शैली में अनवरत प्रभावशीलता, पंथ निरपेक्षित की धारा सम्मान करते हुए संविधान में सेकुलर शब्द को शामिल करना आवश्यक नहीं माना। यह संविधान में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा किन परिस्थितियों में और किनके द्वारा तथा क्यों लाया गया, इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। सर्वधर्म समभाव भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। स्वतंत्रता के बाद पंथिक समस्याएं तब उत्पन्न हुई जब सेकुलर शब्द का राजनीतिक उपयोग प्रारंभ हुआ और भारत में सिद्धांत विहीन राजनीति ने अपने पैर पसारे। यदि कुछ नेताओं ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते सेकुलर शब्द को जबरन हथियाना न होता तो अयोध्या विवाद इतना लंबा नहीं खींचता। प्रश्न प्रति प्रश्न परिप्रश्न की ज्ञानार्जन परंपरा वाला यह देश संवाद द्वारा इसका निर्माण बहुत पहले कर चुका होता। सेकुलरिज्म के नाम पर शिक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया गया और नई पीढ़ी को प्राचीन भारत की सभ्यता, दर्शन, साहित्य से पूरी तरह परिचित रखा गया। सही मानते हैं कि भारत के समझने में सबसे अधिक सहायक रामायण और महाभारत ही होते हैं। वामपंथियों ने अपने विदेशी आकाओं का अंधाग्रहण करते हुए रामायण और महाभारत को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया।
गीता के नीति श्लोक निकाल दिए गए जो कुछ चरित्र निर्माण के सहायक हो सकते थे, सर्वधर्म समाधान बढ़ा सकता था, लेकिन यह शुद्र राजनीति का शिकार बन गया। नतीजन आज हर कोई मूल्यों के क्षरण की चिंता कर रहा है। राजनीति में नीति ढूंढ पाना लगभग असंभव पाया गया। राम कथा में चरित्र के निर्माण के सभी तत्व उपस्थित हैं। राम के चरित्र पर प्रश्न पूछने का बच्चों को पूरा अधिकार है। आज मुख्य चर्चा उस बिंदु के आसपास होनी चाहिए। भारत की संस्कृति के स्रोत से देश की भावी पीढ़ियों को दूर रखना न केवल इस देश के लिए हानिकारक होगा बल्कि विश्व शांति और समेकित प्रगति के लिए भी घातक होगा। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नेशन Nations 194 with Bougainvilleas overwhelming vote for the independence from the Papua New Guinea PNG. The country has crossed a milestone in the peace process following the civil war that ended in 1998. The non-binding referendum to ascertain a preference for either greater autonomy or separate statehood was a promise enshrined in the 2001 Bougainvilleas Peace Agreement. In a province of the fewer than 3 lakh, the voting process spanning 2 weeks and underscored the challenges facing the regional administrations in the Buka and that in the national capital of the port, Morsibi. The Bougainvilleas Referendum Commission undertook the commendable task of enlisting inmates in a hospital and prison at the non-resident to ensure that the conduct of the franchise was inclusive. A testament of the participation was 85% turnout in the plebiscite, with 98% opting to secede. The people spoke emphatically at the end of an animated campaign. So thank you very much to watch my program. Wish you all the best. Good luck. God bless you. God bless India.